हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग का मॉर्निंग मैच है। इधर रवि भाई, आदित्य और आगे अपूर्व भी आए, और अभी हम लोग अभिषेक भैया को लेने जा रहे हैं। बहुत दिन से हम लोग गायब थे, कुछ कारण था। आज आपको पूरा मैच दिखाएंगे। चलो चलते हैं अभिषेक भैया को लेने अब। और गाइज, अब हम लोग अभिषेक भैया के पास पहुंचने ही वाले हैं। तो गाइज अभिषेक भी आ गए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है और आज हमारा मॉर्निंग मैच है। और ये सब अपूर्व, ऋतिक, ये सब रिसीव करने आए थे मुझे, क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट था। बाकी तो ये सब बेरोजगार हैं वैसे ही, बस इनको कॉल करना रहता है, भाई मैच है मैच है। हमें तो ड्यूटी करना होता है, साथ में मैच भी खेलना होता है। क्यों खेलता है इतना, तो कष्ट देता है भाई। एक पैशन है बचपन से। तो अपने दर्शकों से बताओ कि तुम क्यों इतना दूर था इतने दिनों से। दूर यार, कुछ अपने प्रोजेक्ट था, उस पर काम चल रहा था। दोबारा फिर से ब्लॉग में आ गए हैं और बहुत जल्द अब हम कंटिन्यू, मतलब इस चीज़ पर प्रोसेस पर मतलब रहेंगे। अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेगा। बाकी एक हमारे मतलब ग्रुप में एक लड़के का जॉब लगा है, ऋतिक, जो आप इसको देख सकते हो। ताली बजना चाहिए। तो ये लड़के का जॉब लगा है, तो एक डील हुआ है। डील ये कि मतलब फर्स्ट मंथ का इसका 50% अपना सैलरी देना है। तो 50% मतलब इतना कम भी ना है, मतलब इसमें समझना कि 3-4 हज़ार रुपया, 4-5 हज़ार इतना है कि उतना में किट प्रॉपर आएगा हमारा। लड़का तो 26-27 वही महीना है। इसने बोला है कि इसका मतलब जो 7 तारीख का मतलब हर मतलब मंथ में इसका सैलरी आता है, तो 7 तारीख ये बोला है कि अब से भी आपको दूंगा। उस दिन हम सब एक फिर एक आपको छोटा सा एक ब्लॉग बनाएंगे, जिस दिन उस दिन हम शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, मतलब किट से रिलेटेड बैट ग्लव्स जो भी चीज़ खरीदना है, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे पास अभी। तो पहले पूछ लो फंड पास होगा ठीक है। नहीं नहीं, फंड तो डन है ना ऋतिक। हाँ, वादा का पक्का है ना। हाँ हाँ, अरे वादा का पक्का है। कोई बाबू देखो अभी दो लड़के बैक बेंचर गए थे, अमन और एक अनीस, दोनों कोल्ड ड्रिंक। अमन वही है जो उसका अभी ब्लॉग काफी वायरल हुआ है, जिसकी उसकी बंदी ने बोल रखी है कि मेरे बाबू ने धोखा दिया है। तो आज हम तो चाहते हैं कि अभी हम कुछ दिन बाद हम भी कोलैबोरेट करें उनके साथ, क्योंकि वो वीडियो काफी भी वायरल हो रखा है हमारे ग्रुप में आसपास। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो ब्लॉग मेरा देख रही हैं तो कृपया एक बार आए और हमारे भी चैनल को प्रमोट करें। वैसे अभी हमारे हम सीनियर हैं ऊपर है, लेकिन कमेंट जरूर करें वो, क्योंकि आपको भी हम मौका दे रहे हैं, अपना बात रखिए। पूछता है बैक बेंचर, क्या सही में बाबू को धोखा मिला है? राइट, अब हम आपको कुछ आगे का लोकेशन दिखाते हैं, फिर हम ग्राउंड में मिलते हैं आपसे। और तो ये मैं आपको बता दूं, अभी आपने शायद इस लड़का को कभी नहीं देखा होगा जो बीच में है। इसका नाम है रवि ठाकुर। अभी ये सबसे फ्रेशर है, इस साल एडमिशन हुआ है ना। हाँ, ये तो इसका, हाँ अभी तीसरा मैच है। ये कल पिटाया, लेकिन जो पिटाता है ना उसको, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं, हम जिसको पीटे हैं उसको भी खिलाते हैं। ये भी कल पिटाया, लेकिन एक्चुअली अच्छा बॉल फेंक रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट कर सकता है, तो इसको आज हमने मौका दिया है, बाहर ले जा रहे हैं। फर्स्ट डे आज पहली बार एक बार जा रहा है मैच खेलने। ये तो रवि, हाय हेलो करो। हाय, हाँ बताओ अपने बारे में, कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या स्टडी चल रहा है तुम्हारा यहाँ पे, क्या? भाई बिहार से है। मैं तो बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में गोपालगंज से। और यहाँ पे तुम अभी क्या कर रहे हो? मतलब मैं अभी यहाँ पे ओटी कर रहा हूँ, ऑपरेशन थिएटर होता है। अच्छा, अभिषेक भी ओवर टाइम समझ लिया था। नहीं, 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 लेकिन मैं चाह रहा था कि ओटी भाई ने बोला है, तो भाई इनको पता चलना चाहिए, क्योंकि सबके माइंड में आता है अच्छा इंजीनियरिंग में ये ओटी कहाँ से आ गया, सब सोचते यही ना, इसलिए क्लियर किया, अच्छी बात है। मुझे भी बहुत दिन बाद लोग देख रहे हैं, पहले मैं ही शुरुआत करता था, लेकिन मेरा थोड़ा आंख डैमेज है, इसलिए मैं आज ऋतिक को हैंड ओवर किया था। अभी हम सब ग्राउंड के बिल्कुल लोकेशन के पास पहुंच गए हैं, और फाइनली हम सब अब ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं। मोहन, ये ग्राउंड है, मोहन क्रिकेट ग्राउंड है। अब आपको बहुत जल्द स्टेडियम दिखाते हैं, यहाँ का कैसा है। स्टेडियम तो नहीं है, बस घरेलू क्रिकेट में ऐसा ही होता है। चलो भाई किट निकालो, चलते हैं ग्राउंड में। आजकल मेरा फेवरेट बैट ये हो गया एसएस। तो आज का ग्राउंड ये रहा, देख सकते हो।
बिल्कुल आउट ऑफ गुड़गांव है समझो एक तरह से। चारों तरफ पौधा आया है, मौसम सही रहता है यहाँ पर, थोड़ा सा गर्मी भी कम लगता है क्योंकि पेड़ पौधा है तो हवा लगते रहता है यहाँ पर। इसके आसपास देखो आप सब कितना लाइटिंग दिख रहा है बाहर में, मतलब वहाँ भी ग्राउंड है, एक इस साइड भी है, एक आगे सामने भी ग्राउंड है। और हमारे दो प्लेयर से मिल सकते हो, एक तो सूरज है, आप तो पहले से जानते होंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करता है बैक बेंचर के लिए, ये पहले ही आ गया आज टाइम पर। ये सूरज है, हेलो करो यार। हेलो गाइस। और ये है विनीत, आप इसे बहुत जय श्री राम, जय श्री राम, कैसा हाल है? ठीक है, बढ़िया। चलते हैं हम अपने डगआउट में प्लेयरों के पास और देखते हैं क्या। मामा का बेटा कौन है भाई? मामा का बेटा बापू की बेबी है। किसके मामा का बेटा? इसके, वो दिखाने के लिए बोलना पड़ता है ना वीडियो में, लड़की लड़की लड़का को भी धोखा मिलता है। आज बढ़िया वाला क्यों, धोखा ऐसे नहीं मिल सकता है, रीजन शकल नहीं उसका मोटा वाला। क्या लगता है मतलब, क्या हॉस्टी है धोखा मिले उसका शकल ऐसा होता है? सौरभ आ गया, सौरभ को लाया जाए कैमरे में, इससे धोखा कौन दिया? सुनना है मुझसे पहले डर गया। आज रिवेल करना है हमारे व्लॉग में मामा का बेटा है कौन, तुझे तो पता होगा भाई, तुझे तो पता होगा अमन कौन है मामा का बेटा। नहीं नहीं आईडिया देखना, वो अमन का नाम लेकर के बाबू ने धोखा दिया, उस पर कितना व्यू ले ली, अब हमारा बारी है, हम ही साबित करना चाह रहे हैं कि धोखा किसने दिया। हम मामा का बेटा बोल के व्यू लेंगे। हुई जमन आदि का नाम डालते हैं उसका चैनल, हां बैक बेंचर्स भी है, बैक बेंचर्स लगता है। टॉस हम हार चुके हैं जिस हिसाब से इनका चाल दिख रहा है। हाँ, देखा तो क्या बोला था, मुझे पता था, पता था जैसा ही आप उसमें तौल सबके माइंड में होगा बैटिंग जिससे अच्छा नहीं तुम गया तभी सब बोल दिया कि बॉलिंग है और स्लीप करेगा स्टार्ट। क्या करना है भैया? स्पाइक्स वाला जूता पहनना है ना, बॉलर है तू हट कर रहा है, स्पाइक्स वाला जूता पहनना है इंद्र को, इस बात पे इतना इतना बड़ा तो बॉलर भी नहीं है। क्या कह रहा है कि स्पाइक चाहिए, उस पर स्लिप होता है, उसमें प्रोटीन नहीं मिलेगा। सुने कि अमन बिस्किट नहीं खाया तुम लोग दिया है तो ना, कुत्ते को घी जम नहीं होती, प्रोटीन नहीं था, प्रोटीन नहीं था, बोल कैसे रहा भाई इसमें प्रोटीन नहीं है। अमन क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? अमन दो तीन ब्लॉग बन रहे बकचोदी वाले तो बकचोदी बने। ठीक है अमन, कितना परसेंट सच्चाई था उस दिन वाले ब्लॉग में तुम्हारे तरफ से? नहीं था, मेरे को नहीं पता, 0.99% नहीं पता है मेरे को, कितना परसेंट? 0.9 भाई बोल यार, तू इतना भी बड़ा नहीं पता है, नहीं पता है, हम वीडियो ही नहीं देखे कोई सा भी, वीडियो देखा तो होगा, वीडियो नहीं, कसम से बता रहा हूँ, मम्मी कसम आज तक वीडियो में। अरे कोई बोल रहा था कि बेबी ने धोखा दे दिया तो बात सही है। किसका बेबी, कौन बेबी? तेरा बेबी नहीं था कोई? आप ना, बेबी घुमा के क्यों पूछ रहा, सीधा पूछो ना कि तुम्हारी बेबी तुमको धोखा दी, बेबी तुम्हारी धोखा दी है? नहीं नहीं मेरी कोई बेबी नहीं थी, मेरी एक चुकी है। इसके एक कैच ने हमें जीडी गोयन का मैच हराया है टूर्नामेंट। ये क्या है? अगर वो कैच होता, वो कैच था, कैच था तो कैच था, दोनों कैच था कि नहीं जो हम फेंक रहे थे कल, देखिए कैसे अमन गाली देके अपने गलतियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। विनीत बताएगा, विनीत और बहुत ही बताएगा कैसे क्या छोड़ा गया था, देखिए बता रहे हम, बॉल निकला है वो आसपास में, बॉल गिरा, चौका था वो, छक्का दे दिया हाथ मार के, बाउंड्री है ना, बाउंड्री इस बार 8 रन किया, वहां पे बोल दिया था। अरे पता ही नहीं है तो तुम लोग, हमने खेली नहीं क्रिकेट, बस पता, आप बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, पता था क्या? आप ये भूल रहे कि इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, भूल रहे हो आप, पता कौन सी टीम से? उगांडा से। बाकी सिवान जिला में ना साहबुद्दीन के बाद में किसी सिवान में किसी का नाम जानता हूँ तो अमन सिंह, अमन सिंह राजपूत। फील्डिंग इतना खराब किया सामने वाली टीम ना
समझ गया कि यार यार ये वैसे ही थे डीपीजी में 5 चौके छोड़े थे इसने ऐसे ये अब सब खुश कर दो यार नहीं तो कहेगा तुम लोग चलते हम खा लिए हैं सारी दुनिया जब सोया था ना इसे मोटिवेट किया ओपनिंग करेगा वो भी आई उसके साथ देखिए मेरा गार्ड लेके भाग गया बोल रहा है मेरा गार्ड है 10 रुपए आप कैमरा उधर कर लीजिए ना क्या कैमरा मेरे पे रख गया नहीं बाबू ने धोखा दिया असर पड़ रहा है तुम पे ब्लॉग तेरे लिए ये बाबू ने धोखा दिया और टाइटल है हैशटैग मामा का बेटा चलो यार टीम रेडी हो गया जल्दी चलो भाई चलो गाइस हाँ भाई चल भाई चल चल भाई चल बारात में जा रहे हैं लाइन में अभिषेक भैया चले कैप्टन आगे रहो यार काफी लेटिंग फ्रॉम द चलो आज मैं नहीं चलो अरे बाद में फिर बहुत दिक्कत होगा सही बता रहा हूँ मैं अभिषेक भैया क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है आपको कितना पे रोक रहे हैं स्ट्रेटेजी यही है कि दो पहले तो प्लानिंग था कि तो जीत के 250 फिटना था तो प्लान चेंज हो गया पहले तुम थोड़ा सा सीरियस खेलेंगे बैटिंग भी तो करना है ना सारे इतने भूखा बैठे हैं ओके लेकिन वैसे आज बैटिंग के लिए पिच अच्छा है बिल्कुल मस्त पिच है गाइस यार आप लोग बहुत निराश करते हैं इसलिए हम भी मोटिवेट नहीं हो पाते हैं थोड़ा लाइक शेयर दबा के कीजिए आप लोग सब्सक्राइब चलो आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ एक दो प्लेयर अच्छे हैं जो मोहन भैया है वो अच्छा खेलता है तो उसको भी पता है दो तीन प्लेयर खेल चुके हैं उनको पता है अच्छा प्लेयर है वो तो पूरा एफर्ट्स लगाएंगे विकेट निकालने का स्टार्टिंग प्लस सीरीज लेके चलेंगे ठीक है ढीला नहीं छोड़ना है जितना कम पर कोशिश किया जाए रोकने का जितना जल्दी मैच खत्म उतना ही सही है ठीक है चलो आ जाओ बाजून का बॉलिंग लाइन अभी बहुत अच्छा है अच्छा ठीक है 1 2 3 बैक बेंचर्स चलिए गाइस यहां पे ये था हमारे कैप्टन का कुछ गुरु मंत्र भाई एक तो बंदी छोड़ के चली गई अब कैरियर क्यों खा रहे हो अरे तो क्या ही करेगा बंदी यार शर्म आती है जिनकी भी बंदी छोड़ अब इसे एक भी कुछ इसको मोटिवेट कर रहा है ओपनिंग पे ओपनिंग दे रहा है और तुम इसका वो बॉलिंग क्या फायदा इसी ओपनिंग का 80-85 रन मारा है ओ टेनिस से मारा ना ये टेनिस में और लेदर में फर्क है लग देखिए अरे घास ही है कुछ तो फर्क पड़ेगा रुकेगा बॉल आइए हम बात करते हैं अपने मेन बॉलिंग मेन किसका बात सुन रहा है शुरू के पेसर से क्या लग रहा है पिच देख के इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल तो गाइस चलते हैं बहुत हो गया अब फील्डिंग वील्डिंग करते हैं थोड़ा यहाँ पे पहला विकेट गिरते हुआ बैकवेंचर्स लो भाई चाय के मजे 10 ओवर के अंदर चाय पीनी तेरे को पीले फिर क्या कह रहा है देख अमन यहाँ से हमारे टीम के कीपर को हटा दिया ऐसे कर रहा है इस बंदे को कीपिंग ही हटा दी आदित्य क्या लगता है कितना खाने हैं हमें आज 250 297 यार तो 250 तो खा ही लेंगे हम कैप्टन कैप्टन सर कैप्टन सर कहां पे यहां भी तूने वो अरे यार क्या लूं हाथ में ट्राई करना चाहिए यहां भी तूने ट्राई तो कितने कितने रन खाने हैं हमें 10-20 ओवर में देखो पहले मैंने ये बताया था कि पहले सीरियस लेके चलना है मैच को ये हमारे जो हमने अच्छा 6 ओवर किया लेकिन उसके बाद इतने ढीले हो गए कि काफी ज्यादा रन हो गया है और अभी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दो प्लेयर तो थोड़ा सा मिस दो ओवर डालने के बाद पानी पीते हमारी ये जिम करने वाले लड़के देखो इसका चेहरा देखो सिर्फ नहीं नहीं आप 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 सिर्फ उसी को नहीं आप अब की बार सूरज को करेंगे यार सूरज क्या था ये देखो आपसे तो अच्छा उम्मीद चलो मैं डाइव नहीं मार लेंगे मोटी बुद्धि मोटी कांड खेला जाता नहीं कभी इनसे झुका जाता है ना झुका जाता है और कैच पे कैच छोड़ते रहते हैं हमेशा ना बॉल पकड़नी आपको आते 10 ओवर के बाद हमारा खेल फिर से स्टार्ट हो चुका है
हमारा 20 ओवर यहाँ खत्म हो गया। सिक्स पैक सब कोई दिखा रहा है। अरे ये सब काम अमन करेगा तो अच्छा लगेगा भाई। जिम वम कर रहा, प्रोटीन पी रहा है। उनका नहीं देखा जाएगा, मुंह नहीं देखा जा रहा है। देखा जाए। जनता देखना चाहता है थोड़ा जिम में तू कितना मेहनत कर रहा है, दिखाना थोड़ा। अरे रमेश भैया बहुत अच्छा बॉलिंग किया, आते हैं कुछ देर बात करते हैं रमेश भैया से। कैसा मेरा प्रणाम। राम राम। रमेश भैया कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा तो आज आपको लेट कैसे हो गया आने में? आज ड्यूटी से आया हूँ मैं, रात भी ड्यूटी था सुबह भी ड्यूटी था। अच्छा अच्छा, डबल ड्यूटी करके और ट्रिपल ड्यूटी करने आ गया। बहुत अच्छा बॉलिंग किया है आप टीम के लिए। आजकल मेरा गोल्डन वो चल रहा है। नहीं नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि आप आ गए, नहीं तो अभी तो टीम 200 के पार चेज करने को रहती। चलो अपनी टीम अच्छी है, 200 भी चेज कर देती है। हाँ और आप तो आजकल पीछे में आग उगल ही रहे हैं। आप अपना वो गद्दा लाए हैं? हाँ हाँ लेके आए। हाँ फिर उसके बिना आपसे लगेगा नहीं। हाँ ये देखिए अभिषेक भैया का फैमिली पैक हो चुका है। अरे क्या बात है। अभी हम थोड़े देर बाद बात करेंगे आयुष से कि कैसा महसूस करेंगे वो पिच पे अपना ओपनिंग पार्टनर एक नए प्लेयर के रूप में शेयर करेंगे आज, जो कि आपको बता दूं बिहार से डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेल चुके हैं, सिवान से। स्टेट में हो गया था इनका, लेकिन ये अपने एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए डीपीसी ज्वाइन कर लिए। क्या क्या भैया? इनका सीधा मुकाबला केएल राहुल से है। अच्छा इसीलिए केएल राहुल बाहर चल रहा है आजकल टीम से। ओके हां तो केएल राहुल आयुष से हम जानेंगे कि कैसा इनको अंदर से महसूस हो रहा है। भाई मेरा आज का काम पता क्या है? अपने पार्टनर को रनआउट करवाना, सिर्फ और कुछ नहीं। मतलब सिर्फ अमन पार्टनर को या सारे टीम के पार्टनर को? अच्छा अब मैं सारे टीम से पूछूंगा, आप लोगों आखिरकार अमन से इतना जलन क्यों है भाई? जलन नहीं है, बराबरी नहीं कर पाता वो। अमन दिखा दे आज अपने बाबू वाला गुस्सा। हां भाई अरे यहां का कर दो व्लॉग स्टार्ट। यहां का भाई अरे यहां का पिच भी तो स्लो है, हम लोग कितना स्लो बोल रहे हैं इसके बारे में। क्या सर? किसके मामा का बेटा? किसके मामा का बेटा? वही तो पूछ रहा हूँ। हैशटैग तुम लोग दिया, कौन बाबू? वो तो ना बोलती है। जब तू जानता नहीं है तो इसको क्या बोलती है क्या नहीं बोलती? अच्छा जब वो मेरी बहन होती तो इसको बोलती कि ये मामा का बेटा है। तू सुना है? हाँ भाई बिल्कुल। कहाँ? कहीं पे सुने हम, बताए तुमको? कुछ भी सुनो, गाली भी सुनो। कुछ भी मैंने, स्मार्ट तो है थोड़ा बहुत। एडिट करने में टाइम लग जाएगा यार, नाम मत। अमन का दो तीन चीज लकी था तो एक तो चला गया, मतलब चली गई। हो गए भाई। वेल प्लेड यार अभी भाई, कम ऑन, गुड प्लेड। कोई नहीं, मैच बना दिया है मैच। बहुत बाहर था ना तू, पैर को आगे लाया नहीं। कोई नहीं कोई नहीं, पिछले भाई अपना काम कर दिया है तू, मैच हाथ में है यहाँ से। सौरभ भाई बस आपको खिलाना है यार, बैट ये ले लो ना, सौरभ एसआई वाला ले लेता। ब्लॉक बहुत बड़ा हो चुका है, सारा बैटिंग आप नहीं उसको नीट देना। आज रन मारा, नीट दो। अरे विनीत पे हार्ड बनाना, थोड़ा हार्ड वायरल हो गया पानी मिला इसके अंदर, पानी मिला। अरे हो जाएगा, 12 ग्लास आता है अभी। एक दिन रमेश भैया का पार्टी बाकी है भाई। एक दिन रमेश भैया नहीं ठीक है, लेफ्ट आर्म बॉलर रमेश भैया। एक दिन